नूरपुर क्षेत्र की डन्नी पंचायत के खड़ेतर गांव में आए भूस्खलन का खतरा टल गया है। इस गांव में पूरा पहाड़ भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसके कारण जहां से गुजरने वाली जब्बर खड़ का प्रवाह रुक गया था। प्रवाह रुकने से इस खड़ ने झील का रूप धारण कर लिया था। कल तक जहां इस खड़ की गहराई 25 से 30 फीट थी, वहीं सुबह यही गहराई 60 से 70 फीट तक पहुंच गई थी। नूरपुर क्षेत्र की डन्नी पंचायत के खड़ेतर गांव में आए भूस्खलन का खतरा टल गया है। इस गांव में पूरा पहाड़ भूस्खलन के चपेट में आ गया था, जिस कारण जहां से गुजरने वाली जब्बर खड का प्रवाह रुक गया था। प्रवाह रुकने से इस खड ने झील का रूप धारण कर लिया है। कल तक जहां इस खड की गहराई 25 से 30 फीट थी, वहीं सुबह यही गहराई 60 से 70 फीट तक पहुंच गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण पहाड़ में लगातार हो रहा भूस्खलन है। कल से अभी तक 300 फीट तक पहाड़ से आ रहा मलबा खड में पहुंच चुका है और पहाड़ का दरकना अभी तक जारी है। इसमें सुप्त घटना यही रही कि रुके हुए पानी ने एक तरफ से जगह बनाकर खेतों से गुजरना शुरू कर दिया, जिस कारण जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी निकल रहा है। लेकिन आशंका है कि बरसात के चलते अगर खड में और पानी आए तो भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 3 घरों को खाली करवा दिया है और सभी को एक अस्थायी कैंप में शिफ्ट कर दिया है, जहां इनके खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन मौका देखने के लिए खड़ेतर गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अजय महाजन उन परिवार वालों से भी मिले जिनके घर खाली करवाए गए हैं। अजय महाजन ने कहा कि प्रशासन और स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत कर रहे हैं, इसकी मैं तहदिल से प्रशंसा करता हूं कि इस संकट की घड़ी में सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। जो खतरा था काफी हद तक टल चुका है। मैं जो सरकार, ये प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग, बहुत मेहनत इन्होंने की है, इनकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में सारे इकट्ठे हो गए, क्या प्रशासन क्या लोकल लोग, तो इनसे जिस ढंग से लगे हुए हैं, तो मैं मतलब यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ जो जो योगदान अपना कर सकता है हमारे इस लोगों को बचाने के लिए, वैसे तो काफ़ी हद तक जितना भी यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है और पानी भी यहाँ से अब चला दिया गया है, जो इकट्ठा जो पानी था, जो नीचे का खतरा था, वो काफ़ी हद तक टल गया है। पर मैं जितने भी जो लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है इस संकट को टालने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नूरपुर चुनाव के लिए।